अल्लाम वरम्त ला वरक़ अलहमदिल्लाफ़ हिलमनान वल्फ़ली والفضل वफ़ وفضل ديننا على سائر महाबिहबीबी ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم वस इबादत लहसान بعد. मज्ज़ हाजरीन इस्लामी भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़्वीन इस्लाम आज के दर्स का मौजू है अशरअ ज़िलहिज़ा की अहमियत और फज़ीलत इस हवाले से इनशा हम चंद बातें जानेंगे सबसे पहले अगर सवाल करूँ कि आज कादा की कितनी तारीख है जी अब छब्बीस हो चुकी है पच्चीस ख़त्म हुई है छब्बीस शुरू हो गई एक दिन आगे पीछे चल रहा तो छब्बीस कादा शुरू हो चुका है और इनशाला चार से पाँच दिन के बाद इस्लामी साल के आखिरी महीने का चांद तुलु होगा जिसे हम िजा का महीना कहते हैं जा के महीने की और बतौर ख़ास इसके पहले अशर्ये की क्या अहमियत है क्या फ़जीलत है इस हवाले से क़ुरान के अंदर और हदीस के अंदर बहुत सारी बातें हैं। हम चंद बातें इन जानेंगे। सबसे पहली बात जा के महीने के हवाले से किलिजा का जो महीना है ये येमत वाले महीनों में से एक महीना है शुर तौबा की आयत नंबर छत्तीस में अल्लाह अल्लाबीन ने फरमाया, इन फ़रमायाद्दत शहूर शहरा फ़ी अल्लाह बिल्ला रब्लम के नज़दीक साल के बारह महीने हुआ करते हैं साल भर में अल्लाह के नज़दीक बारह महीने होते हैं कब से यउम खलक़ समावाती अर्द? जब से आसमानों ज़मीन कायम है, तब से ये मुहर्रम से लेकर के केजा तक ये महीना आ रहा है अल्लाह हरबालमीन के यहाँ से मिन्हा अरबातुन हरम उसमें चार महीने जो हैं वो हुरमत वाले हैं। अब ये चार महीने हुरमत वाले कौन से हैं कुरान की आयत में इसका तस्करा नहीं है कहाँ से मालूम होता है हदीस से प्यारे नबी स फरमान से पता ये चला कि जहाँ कुरान ज़रूरी है वहीं हदीस भी जरूरी ये दोनों इस्लाम की बुनियाद है एक को लेकर के दूसरे को छोड़ देने से निजात नहीं मिलने वाली काम नहीं बनने वाला तो ये चार महीने जो हरमत वाले हैं ये सही बुखारी के हदीस नंबर फोर डबल सिक्स टू चार हजार छः सौ बासठ नंबर की हदीस में मौजूद है कि कौन से चार महीने हैं ये हरमत वाले प्यारे रसूल वसल्लम ने इस्तदारा कह ही अति ही यू वल वर्ग कि ज़माना घूम फिर कर अपनी उसी पर चला जाएगा जिस हैयत पर अल्लाह आलमीन ने इसे पैदा किया और फिर आपने फ़रमाया कि साल बारह महीने का होता है उसमें चार महीने हरमत वाले सलासतुम मुतवालियात तीन महीने पे दर पे ज़िकादा ज़ा मुहर्रम ये तीन महीने लगातार हैं कंटिन्यू हैं और उसके बाद चौथा महीना कौन सा है रजब जो किसके दरमियान आता है जमारा और शाहबान के दरमियान में आता है वो रजब का महीना है तो ये चार महीने जो हैं हरमत वाले हैं हरमत वाले महीनों का क्या मतलब है अल्लाह ने कहा फला अनफुसकुम हरमत वाले महीनों में अपने ऊपर जुल्म मत करो बकिया चार आठ महीनों में करो नहीं इन चार महीनों का खास तौर से हम और आपको ध्यान देना मक्का के लोग आप देखे कितने झगड़ालू थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत से पहले जरा जरा सी बात पर मुद्दतों तक जंगे हुआ करती थी लेकिन जैसे ही फुरमत वाला महीना आता था स्टॉप रुक जाया करते थे इतना अहतराम था उनके यहां सालों तक जंगे होती या कभी कभार ऐसा होता था कि अल्लाह ने उसको नसी से ताबीर किया है आयत नंबर थर्टी सेवन में सूर्य तोबा की नसी से ताबीर किया है कि वो आगे पीछे कर लेते थे कि चलो ये महीना हरमत वाला नहीं मानेंगे इसके बाद वाला कर ले अपने हिसाब से जिसको चाहते थे हरमत वाला महीना कर लेते थे और जिस महीने को चाहते थे हलाल कर लेते थे लेकिन बहरहाल चार महीने साल के बारह महीनों में से वो हरमत वाले मानते थे उनका अहतराम करते थे उनमें जंगे नहीं करते थे बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को रोक लेते थे तो जैसे हम साल के आठ महीनों में हमारे लिए गुनाह से बचना जरूरी है बल्कि बारह महीने जरूरी है लेकिन इन चार महीनों में बतौर खास हमें गुनाहों से और हर किस्म के गलत काम से अपने आप को बचाना चाहिए तो इन चार महीनों में से ज़िलहिजा का महीना भी है पता ये चला कि जिलहिजा के महीने की ये फजीलत है कि अल्लाह हरबल आलमीन ने और उसके रसूल सल्लाम ने इस महीने को हरमत वाला महीना करार दिया ये पहली फजीलत दूसरी फजीलत जिलहिज्जा के ताल्लुक से और वो क्या है कि अल्लाह आलमीन ने इन दस रातों की कह लीजिए या दस दिनों की कसम खाई है। सूरतुल सूरतुलफज्र की आयत नंबर दो वल फजरी वलयाशर कसम है फजर की और कसम है दस रातों की इन दस रातों से मुराद मुफसरीन नेमा ने लिखा कि जिलहिज्जा के इब्तदाई दस दिन हैं इब्तदाई दस दिन हैं है। अल्लाह रबालमीन का किसी चीज़ को कसम के तौर पर पेश करना या किसी चीज़ का कसम खा लेना ये उस चीज़ की अहमियत और फजीलत के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ने उस चीज़ की कसम खाई अशर जिलिजा की फजीलत इस एतबार से निकलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दस दिनों की कसम खाई तीसरी फजीलत और बड़ी अहम फजीलत है जो सही बुखारी की हदीस नंबर 969, सिक्स नंबर की हदीस में मौजूद है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला नुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल अमलु फी अय्यामिन अफ़ज़ल मिन्हा फी हादिह जा के इब्तदाई दस दिनों में जो काम किए जाते हैं वो काम बकिया साल के तमाम दिनों से ज्यादा अफजल और बेहतर है आप साल के जो है बकिया दिनों में जो काम करें लेकिन इन दस दिनों में जो काम कर ले इन दस दिनों में किए गए काम की फजीलत बढ़ जाती है साहबा ने कहा वलल जिहादी सभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना बड़ा सवाब नहीं है आप सल्ला ने फरमाया हाँ जिहाद भी इस फजीलत को इस मकाम को नहीं पहुंच सकता इल्ला नफसी ही कोई इंसान ऐसा है जिहाद के लिए निकला माल के साथ भी अपनी जान के साथ भी, भी लेकिन उसका वहीं पर क्या हो गया इंतकाल हो गया शहीद हो गया मार दिया गया तो इसका मकाम बढ़ जाता है लेकिन इन दस दिनों में अगर कोई बंदा इनको पाता है नेकियां करता है अच्छाइयां करता है तो इस शख्स के मकाम को इसकी नेकियों को दूसरे दिनों में किए जाने वाली नेकियां नहीं पहुंच सकती यह बहुत बड़ी अहमियत अच्छा इतनी ज्यादा फजीलत क्यों है इसकी इतनी ज्यादा फजीलत क्यों है हाफिज इब्ने हजर रही ने अपनी शर फतुल बारी जो बुखारी की शर है उसके अंदर जिक्र किया जल नंबर दो सफा नंबर चार सौ साठ पर बड़ी अहम बात जिक्र की फरमाई इतनी फजीलत क्यों है अशरय लिजा की अशरय लिजा की इतनी फजीलत क्यों है तो कहते हैं इसलिए कि बर्तरी का ये इतनी ज़्यादा फजीलत का सबब ये है क्योंकि इस आशरे में तमाम उमहतुल इबादत बड़ी बड़ी इबादतें बुनियादी इबादतें जमा हो जाती इस आशरे में पूरा आशरा आप देख लें जिसकी तफस अभी बयान की जाएगी इन बडी बड़ी इबादतें इस आशरे में जमा हो जाती हैं इसीलिए इस बुनियाद पर इस आशरे को इतनी अहमियत इतनी फजीलत हासिल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने हदीस के हवाले से इस आशरे को इतना बड़ा मकाम दिया यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं वो सवाल क्या है कि रमजान का आखिरी आशरा बेहतर है या ज़िलहिज्जा का पहला आशरा सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई रमजान की इतनी फजीलत बयान की जाती बड़ी फजीलत है रमजान की लेकिन रमजान हरमत का महीना नहीं है रमज़ान वाला महीना नहीं है लेकिन बहरहाल उसके आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत है जो आपने अभी दो महीना पहले सुना देखा जाना और उन रातों को या उन दस दिनों को आपने गुजारा तो रमज़ान का आखिरी अशरा अफजल है या ज़िलहिज़ा का पहला अशरा? क्या जवाब होना चाहिए रमज़ान का आखिरी अशर जी।, जी शेख उमिन रही ने यही बात जिक्र की है फरमाया रमज़ान के आखिरी आशरे की रातें ज़्यादा अफजल हैं और जिलहिज्जा के इब्तदाई आशरे के दिन ज़्यादा अफजल है इस एतबार से जो एक एतराज़ बन सकता था या एक आपका ऑब्जेक्शन हो सकता था वो ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें बेहतर हैं और जिलजा के इब्तदाई आशरे के दिन यानी अयाम जो हैं वो बेहतर हैं जो आप दिन में गुजारते हैं क्यों इसलिए कि जिलहिजा के इब्तदाई आशरे में जो आप काम अंजाम देते हैं वो ज्यादातर दिन में ही अंजाम दिए जाते हैं इस सवाल का जवाब मिला आगे बढ़ते हैं एक और फजीलत है इस महीने की और वो फजीलत ये है कि ये महीना हज का महीना है हज के कितने महीने हैं जी तीन महीने हज के कौन कौन से जिलीजा और एक मुहर्रम नहीं शवाल शवालीका जिलीजा तो क्या शवाल में भी हज हो सकता है क्यों फिर हज वाला महीना क्यों कह रहे लेकिन हज का महीना कहा जी तैयारी वहीं से शुरू करना है रमजान की मसरूफियात से आप फारिग हो गए अब शवाल का महीना आया ईद की खुशियां आपने जो है मना ली अब उसके बाद अब हज की तैयारी में लग जाइए अगर आपको हज के लिए जाना है तो यह है इस एतबार से और नबी सल आज कितनी तारीख थी अभी जो गुजरी पच्चीस पच्चीस तारीख को जिकादा के महीने की पच्चीस तारीख को ही प्यारे नबी अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले थे आपने कितना हज किया सिर्फ एक हज किया पहला और आखिरी हज वही है संदा सजरी में इंतकाल से तीन महीना पहले लेकिन कब निकले थे पच्चीस जिकादा को यानी जब आप अपने घर से निकल गए तो गोया कि आप हज के सफर पर हैं हज के रास्ते में तो कहां से आप कर सकते हैं शवाल से इसीलिए कहा तीन महीने जो है अल हज अशहुर मालूमात अल्लाह ने कहा सुर बकर में हज के मालूम महीने हैं ये महीने कौन से हैं शवाल जिकादा और जिल लेकिन हज के जो काम होते हैं वो हम किस महीने में अंजाम देते हैं जिलजा के महीने उसको शवाल में नहीं कर सकते उसको जिकादा में नहीं कर सकते कोई जाए और कई बार जाए और कर ले तो वो अरफा भी जाए वो मीना भी जाए वो मुजलफा भी जाए वो कंकरी भी मारे तो उसका हज मकबूल नहीं होगा क्यों इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दिनों को आपने नहीं माना आपने कब किया कब बचाया के महीने में किस तारीख से आठ तारीख से आठ से लेकर के बारह या तेरह तक जी तो यह हज का महीना भी है और हज इस्लाम का एक अहम रुकन है तो इतना बड़ा रुकन इतनी अहम बुनियाद जो इस्लाम की है वो इसी महीने में अंजाम दी जाती है तो इस एतबार से भी इस महीने की फजीलत साबित होती है एक और फजीलत कि इसी महीने में आरफा का दिन भी है योम आरफा जिसे आप कहते हैं किस दिन होता है वो नौ तारीख को नौ तारीख को जिस दिन हाजी ही अरफात के मैदान में हो कौन सी तारीख होती है नौ तारीख होती है तो नौ तारीख योम आरफा है अब योम आरफा इसी महीने के अंदर इसी आशरे में है तो इस एतबार से फजीलत क्या है कि आरफा के दिन को ही असल हज करार दिया गया अरफा में ठहरना अकूफ आरफा ये हज के अरकान में से एक रुकन है अगर कोई इसको छोड़ देता है उसका हज ही नहीं होगा इसीलिए कहा अल हज आरफा सुरन तिरमिजी की हदीस हदीस नंबर डबल एट नाइन सही हदीस है फरमाया हज असल किसका नाम है अरफा में ठहरने का नाम है तो इसी अशरे में इसी महीने में योम अरफा भी है इसी तरीके से आप देखें सही मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर वन थ्री फोर एट फरमाया मा मिन यौमिन राफा साल के तीन सौ साठ या अंग्रेजी मान ले तीन सौ पैंसठ लेकिन अरबी का अतबार शरीय में है तो अरबी मान ले तीन सौ पचपन जो भी आप माने साल के तमाम दिनों में अल्लाह जितनी कसरत से योम अरफा के दिन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है किसी और दिन नहीं करता कितनी बड़ी फजीलत है योम अरफा के दिन की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तमाम दिनों में इस दिन से ज्यादा किसी और दिन लोगों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता है इसीलिए बतौर खास उस दिन जहन्नम से आज़ादी का अल्लाह से सवाल करना चाहिए तमाम दिनों में करना चाहिए माजिर मिनन्ना या जो भी दुआएं हैं अपनी जबान में दुआएँ हैं जहन्म से बचने की उससे पनाह मांगने की तमाम तरजआ दुआएं जो हैं वो पढ़ना चाहिए लेकिन यह दिन जो है अल्लाह कसरत से अपने बंदों को जानम से आज़ाद करता है लिहाजा अल्लाह से सवाल करना चाहिए तो इस महीने में इस आशरे में योम आराफा भी है इससे इसकी फजीलत साबित हो अच्छा इसी ताल्लुक से एक और फजीलत है और वो क्या है कि इसी आशरे में इसी महीने में क्या है नहर भी है यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन किस तारीख को दस धीजा को दस जिलिजा को हम नमाज या दोगाना जिसको आप कहते हैं अदा करने के बाद हम फिर कुरबानी करना शुरू करते हैं तो यह जो है यौम नाहर यानी कुरबानी का दिन भी इसी अशरे में इसी महीने के अंदर है और आप वसल्लम ने फरमाया तबारन्ना फरमाया अल्लाह के नज़दीक अजीम दिनों में से एक अजीम दिन क्या है कुर्बानी का दिन भी है तो ये कई एक फ़ज़ीलतें जो है ज़ीजा के महीने के हवाले से आपके सामने मैंने रखी ये तमाम तर बातें ये बताती हैं कि शरीयत की नज़र में जा के महीने की बड़ी अहमियत है बड़ी फजीलत है ये महीना हमारे सामने आ रहा है हमें इसका इस्तबाल करना चाहिए और इसके अंदर हम और आप को इस महीने की फज़ीलतों का इस महीने की रमत का इसकी अहमियत का ख़्याल रखते हुए हमें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं किया करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अशराय जा अगर हम पाएँ तो हम इसमें करें क्या अशरयजा में हमें क्या करना चाहिए तो कुछ आमाल, कुछ आमाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो अमाल हमें अशरयजा में करना चाहिए तो जो भी मुस्तहब अमाल हो सकते हैं शरीयत की नज़र में वो तमाम अमाल करने की कोशिश करना चाहिए ठीक है लेकिन बतौर खास कौन कौन सी इबादतें नंबर एक नमाज नमाज हमेशा मुसलमान के लिए इस्लाम के बाद तौहीद के बाद सबसे पहले नंबर पर नमाज इसका ख्याल रखना इसका ख्याल रखें बतौर ख़ास इन दस दिनों में और ख्याल रखना चाहिए नंबर दो रोज़ा रोजा रखें इन दस दस नहीं बल्कि क्योंकि रोज़ा के ईद के दिन रोज़ा रखना जो है मना है तो बकिया नौ दिनों में रोज़ा रखने का अहतमाम करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है अबू दाऊद की हदीस नंबर टू फोर थ्री सेवन का ना रसूल सल्लाम यसूम तस नबी सल के नौ दिनों में रोज़ा रखते थे यानी आपका यह मामूल था

जो एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर रोजा रखे अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल की दूरी पर कर दिया करते हैं तो हमें रोजों हम तो रमज़ान में रख ले वो तो फर्ज रोजे हैं। वो तो रखना ही रखना है आपको नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे लेकिन नफली रोजों का भी हमें एहतमाम करना चाहिए बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं या में बीस के रोजे रखते हैं मंडे का और जुमेरात का रोजा रखते हैं लेकिन और इसी तरीके से मुहर्रम का आरफा का रोज़ा रखते हैं लेकिन हमें और ज्यादा बतौर खास जो भी शरीयत से साबित हैं उन तमाम रोजों का करने की कोशिश करना चाहिए इसी अशरे में अगर आप पूरे नौ दिन ना रख पाए तो कम अज कम नौ तारीख को जरूर रोजा रखें क्योंकि नौ तारीख को यानी आरफा के दिन जो रोजा रखते हैं हम उस दिन रोजा रखने की फजीलत बाकायदा प्यारे नबी साबित है क्या फजीलत है सही मुस्लिम की हदीस है हदीछ नंबर डबल वन सिक्स टू, सियामु उोम आरफा था आह तसीब अल्लाफिर सनती कबल व सनत बदहू योम आरफा का एक दिन रोज़ा रखना उसकी वजह से अल्लाह रबालमीन उस बंदे के एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों को माफ कर दिया करता है गुनाहों को दरगुजर कर देता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आह मुझे यकीन है कि अल्लाह ऐसे बंदे के दो साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा तो अगर गुनाहों को माफ करवाना है तो रोजा रखें बतौर खास आरफा के दिन रोजा रखना ना भूलें यानी ईद से एक दिन पहले नौजा को रोजा रखने का अहतमाम करें फिर दो चीजें हो गई नमाज और रोजा उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी हो मालदार हैं आप तो हज के लिए आप जाएं हज के लिए आप जाएं, जाएं। हदीस के अंदर प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज का इरादा कर रखा हो तो वो उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि कभी माल बर्बाद हो जाता है कभी किसी और जरूरत में लग जाता है कभी इंसान खुद बीमार हो जाता है कभी कहीं और लगाना पड़ता है कभी कहीं और देना पड़ता है इरादा कर लिया चले जाइए चले जाइए हमारे यहां लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं बूढ़े हो जाएंगे तब जाएंगे तमाम ने किया तमा, तमाम गुनाह जो है वो माफ होंगे और उसके बाद जैसे चाहे रहेंगे गलत बात है जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है और आप जितनी चुस्ती और फुर्ती के साथ जितना एक्टिव होकर आप जवानी के दौर में हज के अरकान वाजिबात फ्राइज मुस्तबात जो अदा कर सकते हैं वो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी आपको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी आप दूसरों के महताज होंगे आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ वहाँ सही तरीके से जा नहीं सकते देख नहीं सकते घूम नहीं सकते वहाँ के मशारे मुकदसा जो है अल्लाह रबालमीन की निशानियाँ जो एक से बढ़कर एक है आप उनका सही तरीके से मुशाह नहीं कर पाएंगे इसीलिए कहा कि अगर आप मालदार हैं तो जल्दी करें बेटों की बेटियों की शादियां होती रहेंगी अपने लिए भी कुछ करें वहां कोई बेटा किसी के काम नहीं आएगा बक्शोल डरे उस दिन से कि जिस दिन कोई बाप किसी बेटे के किसी औलाद के और कोई औलाद किसी बाप के काम नहीं आने वाली आपका माल आपके बेटे पर बेटी पर खर्च होगा आपने अपने लिए क्या किया अपने लिए क्या किया तो अगर मालदार हैं या कहीं जमीन है प्लॉट है गांव में जो है खेत है और आपके लिए आसानी है तो उसको बेच करके जाए अल्लाह के घर का दीदार करें अज करें शादियां होती रहेंगी निकाह होते रहेंगे तमाम मामला हल होते रहेंगे हो सकता है वहां जाने की बरकत से अल्लाह आपके लिए बहुत सारी चीजें अदा कर दे बहुत सारी आसानियां पैदा कर दे इसीलिए कोशिश करना चाहिए अल्लाह ने सबीला अल्लाह की खातिर बैतुल्लाह हज करना उस शख्स के लिए कि जो वहां जाने की ताकत रखता हो उसे जाना चाहिए करना चाहिए उसे करना चाहिए साल भर में मालदार शख्स पर एक मरतबा तो हज फर्ज है एक मरतबा तो हज फर्ज है उसे जाना चाहिए कितने ऐसे मालदार है देखे माल है लेकिन अगले साल जाएंगे अगले साल जाएंगे ये काम हो गया तब जाएंगे यह काम हो गया तब जाएंगे बेटा बड़ा हो गया तब जाएंगे बेटा बिजनेस संभाल लेगा तब जाएंगे पता चला दुनिया से चले गए जिंदगी का क्या भरोसा है जिंदगी का कहां फुल स्टॉप लग जाए नहीं मालूम तो इसीलिए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि जो हज का इरादा करे उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि कभी हादसा हो गया कभी तकलीफ़ आ गई कभी खुद बीमार हो गया कभी फालिश पड़ गया कभी कुछ और हो जाता हादसा आते रहते हैं जिंदगी में इरादा हो गया चले जाएं अल्लाह के घर का दीदार करके आए हज के तमाम अरकान को अदा करें क्योंकि इतनी बड़ी फजीलत है सही बुखारी की हदीस हदीस नंबर वन डबल सेवन थ्री अबू हुररारजी तु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लासम ने फरमायामरत कफ़ारतलमा बई नुमा एक उम्र से दूसरे उमरा तक अगर आपने एक उमरा के बाद दूसरा उमरा किया तो दरमियान में अगर कोई गुनाह कोई गलती हो गई अल्लाह उसको कफारा बना देता है वल المبرور मबरूर लई सलहू जजा उन और मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं हसर के साथ का लई له जजा उन कोई बदला नहीं है हज मबरूर का सिवाय किसके इल्ल जन्नत सिवाय जन्नत के यानी जन्नत जन्न जन्न मिलकर ही रहेगी अगर कोई हज मबरूर कर ले अब हज मबरूर क्या है फरमाया मन हज फलम यरफुस वलम यर जो हज करने के लिए जाए हज के अरकान का वाजिबात का शर्तों का ख्याल रखे किसी को गाली ना दे किसी को सताए नहीं किसी को परेशान न करे तमाम काम बहसन खूबी पूरे एहसान के साथ अच्छाई के साथ करके आ जाए रजा का य दत्म हो तो वो वैसे पलट कर आता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया कोई गुनाह नहीं कोई गलती उसके ऊपर नहीं होती है तो ये आपको ये फजीलत उस वक्त मिलेगी जब आप हज करने के लिए जाएंगे और हज भी कौन सा हज मबरूर यानी किसी को सताए नहीं परेशान नहीं करें गुनाह का काम नहीं करें साफ़ और शफाफ जाएं काम करें अपना हज के अरकान अदा करें वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह इसका बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है तो हमें यह काम भी करना चाहिए अगर अल्लाह ने मालदार बना रखा है मालो हमारे पास इसी तरीके से चले हज उमरा के लिए हर एक नहीं जा सकता हमें और क्या करना चाहिए एक काम है तकबीरों तहलील और तहमीद ये काम तो हम सब कर सकते हैं अल्लाह अकबर कहना इल्लल्लाह कहना अल्हम्दुलिल्लाह कहना यानी अल्लाह का जिक्र करना कसरस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी जो भी अमले साले वो आप करें इन दस दिनों में और सहाबा का मामूल ये था कि सहाबा बाजारों में निकल जाते थे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ा करते थे अल्ला अकबर अल्लाह ला अकबर अल्लाह, अकबर, ला अल्लाकबरल्लाकबर अल्लाह अल्ला अल्ला का कसरत जिक्र करना तकबीर तहमीद, तहलील लाला इल... जो भी असकार हैं उन असकार का हमें अहतमाम करना चाहिए ये बातें सही बुखारी की हदीस नंबर नाइन सिक्स नाइन नाइन सेवन जीरो नाइन सेवन वन से मालूम होती है साहब कर का अमल था बाजार में निकलते थे ताकि लोगों को रगबत मिले जतेमी नहीं पढ़ना इज्तिमाही नहीं पढ़ना हमारे यहां इमाम पढ़ रहा हो तो लोग पढ़ते हैं इमाम चुप हो गया तो सारे लोग चुप हो जाते हैं बड़ी अजीब बात है इस्तेमाही साबित नहीं है अपना अपना करना है और कमाल की बात यह कि यह भी बाज लोगों को याद नहीं होती साल भर में दो बार तो आती आती चालीस साल की जिंदगी हो गई है तो कितनी बार चालीस बार साल तो कम से कम चालीस बार आया ही होगा चले पांच साल बचपन का निकाल दें पांच साल के बच्चे को भी याद हो जाती है पैंतीस बार तो आया ही इतनी बार में भी याद नहीं होती लोगों को वो इमाम पढ़ रहा है तो पढ़ रहे हैं चुप हो गया तो चुप हो गए गलत बात है ये ये अजकार ये इन तकबीरात का अहतमाम हमें करना चाहिए और ये तकबीरात अभी बात फिर उस तल्लुक से इंशाल्लाह आगे आएगी तो हमें असकार अल्लाह ताला का बतौर ख़ास इन दस दिनों में हमें करना चाहिए एक और काम जो करना चाहिए इन दस दिनों में बतौर खास और कुर्बानी के दिन ख़ास तौर से वो क्या है गरीबों और मिसकीनों में सदका गरीबों में और मस्किनों में सदका करें हज की आयत नंबर अट्ठाईस और छत्तीस में अल्लाह रबालमीन ने फरमाया फ़कुलर खुद भी खाओ गरीबों को मस्किनों को भी खिलाओ अब वो कौन है चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मश्रक़ को भी दे सकते हैं मशरक को भी दे सकते हैं कोई गैर मजहब का आ जाए उसको भी देने की गुंजाइश है उसको भी आप दे सकते हैं फ़कुल मिनहा व अफ़ एम्क़ान वमतर खाओ और खिलाओ जो ग़रीब है मस्किन है ज़रूरतमंद है उनका जो है ख़्याल रखो उनके घरों तक भी गोश्त पहुँचाओ अगर कोई मांगने नहीं आ रहा आपके दरवाज़े तक आपको पता है कि फ़लां ज़रूरतमंद है उसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है तो उसके यहाँ क़ुरबानी का गोश्त पहुँचाओ अहम और आपको इस बात का बतौर ख़ास ख्याल रखना चाहिए एक अहम चीज़ जो बतौरे ख़ास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है और सहाबा जिसका अहतमाम करते थे वो है तकबीरात का अहतमाम करना इससे पहले क्या बात है अजकार कामाम करना इसमें अजकार जो है आम है तकबीरात क्या है ख़ास है तकबीरात के ख़ास अल्फाज जो हैं नबी सल्ला वम से या सहबा से साबित हैं वो तकबीरत कौन कौन से हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा ये एक हो गया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा एक दूसरा है अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर व अजल वल्लामद अल्लाह अकबर व अजल और अल्लाह अकबर वल्ला दो हो गए फिर एक तीसरा है अल्लाह अकबर अला अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह व्लाकबर अल्लाह अकबर वाह हमद इसमें शुरू में कितनी बार अल्लाह अकबर है दो बार एक चौथा है जिसमें तीन बार शुरू में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर ये चार तरीके से हैं। लेकिन चूंकि हमें ये एक जो आखिरी है वही वाला मालूम होता है दो बार अल्लाह अकबर बोलना या तीन बार तो इसी का ज्यादा एहतमाम हम करते हैं जो भी बहरहाल याद हो उसका एहतमाम करें कब से कब तक जिलहिज्जा की एक तारीख से जैसे मान लें आज मगरिब के वक्त जिलिजा का चाँद तुलू हो गया आपको खबर मिल गई उसी वक्त से अब तकबीरात का अहतमाम करना शुरू कर देंगे कब तक तेरह तारीख की शाम तक यानी सूरज गुरु होने तक मुकम्मल तेरह दिन इन तकबीरात का अहतमाम हमें करना चाहिए लेकिन शुरू के नौ दिनों में हम गाफिल होते हैं फिर वही कहूँ कि शाम को जो है जब क़ुरबानी का दिन शुरू हो जाता है नौ नौ तारीख ख़त्म होती है मस्जिद से आवाज़ आती है तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हम बोलते हैं सुबह में नमाज़ के लिए आते हैं इमाम साहब बोलते हैं ख़ीब साहब बोलते हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ाने वो बोलते हैं उसके बाद हम क़ुरबानी में गोश्त खाने में ऐसा मशगूल होते हैं कि तकबीरत भूल जाते हैं अल्लाह को भूल जाते हैं हालाँकि इन तकबीरत से हमारा फ़ायदा है जहाँ भी रहें जिस जगह भी रहें देखिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं यहाँ वहाँ काम में जाते हैं दुकान में रहते हैं पहली नौ तारीख में ईद के दिन चलो छुट्टी कर लिया पहले नौ तारीखों तक पहले नौ दिनों तक हम दुकान में होते हैं वहाँ भी एहतमाम करना जहाँ जहाँ भी आप अल्लाह की हमदोसना की ब्रियाई बड़ाई बयान करेंगे वो सारे मकामा आपके हक हाँ में अल्लाह के यहाँ गवाही देने वाले तो ये बड़ी बड़ी अहम चीज है जिसको हम जो है भूल जाते हैं मिस कर देते हैं या किसी वजह से जो हमारे दिमाग में होने रहती है तो इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए और एक अहम चीज जो है इस इसजा के महीने में और अशर में वो क्या है अगर अल्लाह ने इस्तात दी हो तो हमें कुर्बानी करना चाहिए किसकी सुन्नत है इब्राहिम की सुन्नत है, है। मशहूर वाक है हम सभी जानते हैं प्यारे नबी सला ने भी यही कहा कि ये तुम्हारे बाप या तुम्हारे दादा इब्राहिम इब्राहीम आल सलासम की यह सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत को बाकी रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की उम्मत को तालीम दी और अपने तमाम जो है मानने वालों को इस बात की आपने ताक़द की है कि अगर अल्लाह ने ताकत दी है माल है आपके पास तो ऐसी सूरत में आप आपबानी का अहतमाम करें अगर आपको अल्लाह ने नहीं दिया तो कोई मसला नहीं अल्लाह आपसे नहीं पूछने वाला आपके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है ये अल्लाह को मालूम है मोहब्बत के लिए ना माल अल्लाह देखता है ना चेहरा देखता है ना कुछ और देखता है अल्लाह आपका दिल देखता है कि आप कैसे हैं क्या अमल करते हैं आपने ये काम किया तो क्यों किया किस नीयत से किया ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया किस नीयत से नहीं किया सारी चीज़ें अल्लाह आलमीन को मालूम है अगर अल्लाह ने दिया हो तो कुर्बानी करना चाहिए पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर काफ़ी है उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कीजिए लेकिन जो भी अमल करें वो किसके लिए अल्लाह के मेरा बड़ा बकरा है उसका छोटा बकरा है और फलाने का ऐसा है उनका ऐसा है हमारा ऐसा जानवर हमारे इतना गोश्त निकला फलाने का इतना गोश्त निकला क्या करना है नहीं यहाँ वाला दिमा ऊहा वोला कि यह नालुत तखवा मेन अल्लाह को ना गोश्त चाहिए कि आपका चालीस किलो आया था कि पचास किलो आया था कि तीस आया कि आपका बेकार था बकरा क्या अल्लाह को नहीं लेना देना हाँ मोटा ताज़ा जानवर आप लेकर के आए अच्छा माल खर्च करें लेकर के आए अल्लाह आपका तखबा देखता है कि आप जो ले कर के आए हैं शर्तों के मुताबिक है जो शरीयत ने शर्तें बताई हैं कि भाई दाता हुआ जानवर होना चाहिए और मोटा ताज़ा होना चाहिए कमज़ोर लागर नहीं होना चाहिए बीमार नहीं होना चाहिए लेकर के आए चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो चाहे उसके, उसके अंदर पंद्रह किलो ही गोश्त क्यों ना निकले अल्लाह आपका तखवा देखता है आपकी नीयत देखता है आपका दिल देखता है उसको गोश्त नहीं चाहिए उसको खून नहीं चाहिए पचास किलो गोश्त आप खुद खाएंगे पचास किलो निकलेगा तो लेकिन ये ऐलान करना हमारा बकरा ऐसा था फलाने का बकरा ऐसा था ये गलत बात है इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना चाहिए अच्छा हमने नमाज पढ़ लिया अब उसके बाद अपने घर को गए अब कुर्बानी करना है कुर्बानी कर सकते हैं कोई भी कर सकता है मर्द भी औरत भी मर्द भी औरत भी कोई भी कुर्बानी कर सकता है और किसी भी हाल में वो कर सकता है चाहे वो वजू से हो या ना हो कैसे भी वो कर सकता है एक नापाक औरत भी जानवर कुर्बान कर सकती है कोई शायद शाम न जाने कहां कहां से लोगों के दिमाग में खुराफात है अगर औरत ऐसी हो तो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती दिस और दैट और न जाने क्या क्या कर सकती है कोई हर्ज नहीं एक मर्द भी कर सकता है एक औरत भी कर सकती है कुर्बानी की दुआएं बात करेंगे कुर्बानी की दुआओं के ताल्लुक से क्योंकि इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड भी होगी तो वहां से भी आपको दुआएं बसानी मिल सकती हैं कुर्बानी की एक दुआ जो हम सभी को मालूम होती है कौन सी दुआ है इन्नी जातो वाली हम पढ़ते हैं ना लेकिन वो भी याद तो नहीं होती और मली साहब को बुलाते मुली साहब पढ़ेंगे तभी बकरा हलाल होगा इमाम साहब को हाफिज़ जी को पकड़ के लाओ हालांकि मुख्तलिफ दुआएं पांच तरह की दुआएं इन पांच तरह की दुआओं में से जो दुआ भी पढ़ करके आप जानवर जबा कर दे इंशाला आपका जानवर हलाल होगा पहली दुआ सही मुस्लिम की हदीस है नंबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बस ख़लास नाम वाम लेने की भी जरूरत नहीं कि फलाने की तरफ से हाँ आपके दिल में है अल्लाह जानता है उसको पता है कि किसकी तरफ से आपने किया घर का जो गार्जियन है जिम्मेदार उसकी तरफ से करें सारे घर वालों के लिए काफी हो जाएगा या मिन्नी वा मिन आली आप नीयत में रख लें कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं घर वालों की तरफ से कर रहा हूँ तो अकबर किसी इमाम को बुलाने की जरूरत है इतना तो कर ही सकते हैं अल्लाह के नाम से अल्लाह सबसे बड़ा है बिस्मिल्ला अकबर आपने छुरी फेर दिया तो कसाई भी कर लेता है तो कर लेना चाहिए एक दुआ दूसरी सही मुस्लिम की हदीस है हदीस नंबर वन नाइन डबल सिक्स बिस्मिल्ला अकबर अल्लाह उम का वाला काम का वाला का क्या मतलब अल्लाह के नाम से अल्लाह सबसे बड़ा है एल्ला तेरी तरफ से और तेरे लिए जानवर अल्लाह तेरी तरफ से मिला हमें और तेरे लिए कुर्बान कर रहे हैं इसको तो बिसमिल्ला अकबर अल्लाह उम्मिन का तीसरी दुआ सही मुस्लिम की हदीस नंबर वन नाइन सिक्स सेवन बिसमिल्ला अकबर अल्ला अल्लाह उम तकबल मिन बिसम्ला अकबर अल्ला अल्लाह उम तकबल मिन और मिन के बाद जिसका है उसका नाम लेना अगर मैं खुद जबा कर रहा हूं तो कहूंगा मिन यानी मेरी तरफ से घर वालों को भी मिला रहा हूं तो वह मिन आहली बही थी मेरे घर वालों की तरफ से ये जिसकी भी तरफ से कर रहे हैं आप किसी के यहां जानवर जबा करने के लिए गए किसी के नाम से करना है तो मिन फला मिन अब्दुल्ला मिन फातिमा मिन मिन आयशा जो भी नाम है उसका नाम ले लें बिसमिल्ला अकबर अल्लाह उम्म अब उसके बाद नाम ले लेंगे आप चौथी दुआ जो मुस्तरज अबू अवाना के अंदर है हदीस नंबर डबल सेवन नाइन एट बिसमिल्ला अकबर अल्लाह मिन का वाला का अलाकबल मिन उसके बाद नाम अल्लाह के नाम से

وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یہ دعا ہے اس دعا پر بات کریں گے ابھی ہم یہ دعا اپ نے پورا پڑھ لیا اس کے بعد بسم اللہ الله اکبر الله اللهم منك ولاك اللهم تقبل من من کے بعد نام لیں گے یہ کہاں پر ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 15022 फाइव जीरो डबल टू हसन दर्जे की हदीस है अब ये जो दुआ है इस दुआ में मुकम्मल तोहहीद है हमारी जिंदगी किसके लिए ये दुआ कहां से मिली? कब की है? किस मौके की है इब्राहिम अली सलाम ने जब अपना माबूद तलाश किया कि मेरा माबूद कौन है किसने मुझे पैदा किया कौन है जिसकी इबादत की जाए तो पहले सितारे को देखा उसको रब मान लिया सितारे डूब गए तो कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता चांद निकला चांद को कहा ये मेरा रब है वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा सूरज निकला तो सूरज निकलने के बाद देखा आदा रबा अकबर ये बड़ा है और बहुत बड़ा है ये मेरा रब हो सकता है लेकिन वो भी शाम को डूब गया तो कहा इन्नी बरी उम्मीद मातुश्री अरे मेरी कौम के लोगों मैं उस चीज़ से अलग हूँ बरी हूँ जिन तमाम चीज़ों को तुम शरीक कर दो फिर क्या कहा इन्नी वजह बेशक मैंने अपना चेहरा फेर लिया उस ज़ात की तरफ जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ क्या है ये मुकम्मल तौहीद है अपने आप को रब के सामने सरेंडर कर देना झुका देना अपने आप को रब के सामने पेश कर देना कि अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब मैं मुशरिक नहीं हूं कभी शरीक नहीं कर सकता मैं तेरे साथ किसी और को फिर उसके बाद बंदा अपनी जिंदगी का मकसद बयान करता है इन न सलाती व नुसुखी व महिया व ममाती ला रबालमी मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह रबालमिन के यानी एक जानवर की बात है अल्लाह एक जानवर नहीं मेरी जिंदगी भी अल्लाह सिर्फ तेरे लिए यानी हमारी तमाम तर चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन सलाती व नीया व व ममाती बहुत बड़ा पैगाम है एक मुसलमान की जिंदगी का ये मकसद है यही मकसद हमेशा होना चाहिए कि हमारी तमाम तर चीजें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारी सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से अल्लाह के लिए हमारा सारा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए उसके बाद क्या कहते हैं ला शरीक लहू कौन सा अल्लाह कौन सा रब्बुल आलमीन जिसका कोई पार्टनर नहीं है ओबाली का उमिर तू और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करूं, अल्लाह की इबादत करूं, उसके साथ किसी को शरीक न करूँ वह अनाउलमुसलिमिन और मैं मुसलमानों में से एक हूं या मैं पहला मुसलमान हूं ठीक है तो ये दुआ जो है मुकम्मल तोहद हम और आपको बताती हमारी जिंदगी में तोहेद होना चाहिए अकीदे से समझौता कभी ना करें अकीदे से कंप्रोमाइज कभी ना करें ये कुर्बानी के मौके से ये पैगाम मिलता है बतौर खास जब हम जानवर को कुर्बान करते हैं ये दुआ पढ़ते या इन पांचों दुआओं में से जो दुआ भी आप पढ़ते बिस्मिल्लाह बिसमिल्ला अकबर एक छोटी सी दुआ आप पढ़े ये छोटी सी दुआ इतना अहम पैगाम देती है आपको अल्लाह के नाम से हमारा सारा अच्छा काम अल्लाह के नाम से सारी चीजें अल्लाह के नाम से अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं कोई चीज़ अल्लाह से बड़ी नहीं है लिहाजा हमारा सब कुछ अल्लाह रबालमी ये कुरबानी के मौके से ये पैगाम मिलता है और ये अशर जिल हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाए रमज़ान के बाद से दो महीने गफलत में गुजर गए कभी सुस्ती में गुजर गए कभी किसी और चीज़ में गुजर गए कितने ऐसे होंगे बेचारे जिन्होंने कुरान खोल कर नहीं देखा होगा रमज़ान के पास नहीं पढ़ा होगा कुरान एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा एक रुकू भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन ऐसे लोगों के पास अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये आश्रय जिल आ रहा है जिलहिजा का महीना आ रहा बहुत सुनहरा यह आश्रा है बड़ा बेहतरीन यह आशरा है इस आशरे में इरादा करें कि कम अज कम एक बार हम कुरान मुकम्मल करें कम अज कम एक बार। दस दिन बहुत होता है दस हाँ। दिन बहुत होता है एक बार मुकम्मल कुरान पढ़ेंगे इन दस दिनों में इतना ज्यादा आपको फायदा होगा आप तस्वर भी नहीं कर सकते बादशलफ कहा करते थे कि जिस दिन मैं कुरान की मकदार बढ़ा देता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में बरकतों की मकदार बढ़ जाती है और जिस दिन मैं कुरान की मकदार कम कर देता हूँ मेरी जिंदगी में बरकतें मुझे कम दिखाई देती हमने कुरान तो मुकम्मल छोड़ रखा है बरकतें कहाँ से नजर आएंगी हमारी से इसलिए क़ुरान के हवाले से ये आशरा जो है इसमें क़ुरान पढ़ने का भी अहतमाम करें और दीगर नेकियां करने का काम करें दीगर अच्छाइयों को करने की कोशिश करें अशर झलजा के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी झीलजा के हवाले से चंद बातें रखी बातें आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल इंशाल्लाह आप सुनेंगे भी हो सकता है जुमा के खुतबे में भी बातें हों और बहुत सारी बातें इब्राहिम सातम की ज़िंदगी के हवाले से आप सुनते हैं बहुत सारी बातें जानते हैं सिर्फ़ रिफ़्रेश करने के लिए ये सारी बातें आपको सुनाई और बताई गई अल्लाह रबालमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को इस आने वाले महीने की और हमारी ज़िंदगी में जो आने वाले अयाम हैं दिन हैं अल्लाह हमें इनकी कदर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नकिया करने की तोफ़ी ख़दा फ़रमाए मौलाए करीम हम सभी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल और मुकम्मल इतबा करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे खातिमा हो तो ख़ातिमा बिलखैर हो व सल्लल्लाहु अला नबीना बस अल्लाह तला नबी गीना महमदूला वास्मी बिर रहमत क्यामरमीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته